नाउ कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो जो लोकेशन है वो भी लॉन्गबोर्न में ही है, जहाँ पर जो है लास्ट टाइम अभी मिस्टर कॉलिन और जो चार्लेट थी उनकी वेडिंग फिक्स हो गई थी, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था और वो अपनी शादियों की तैयारियों में जुट गए थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे की स्टोरी सुनते हैं। नाउ यू आर ऑल थिंकिंग अबाउट माई चेंज ड्रेसअप बिकॉज टुडे इज माई सेकेंड डे ऑफ दिस शूट। जो नॉवल है बहुत ही लॉन्ग है तो मैं एक ही टाइम में उसको कंटिन्यू शूट नहीं कर सकती हूँ। ओके, 1 आवर से ऊपर तो मैं शूट कर ही नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई बैक इशूज। सो टुडे इज सेकेंड डे एंड ये मेरे घर के कपड़े हैं, सो जस्ट नेग्लेक्टेड। ओके, स्टडी पे ध्यान देते हैं। वैसे इंग्लिश ऑनर्स करने का यही एक बेनिफिट होता है कि आप विद इन 3 ईयर्स इतने सारे न्यू वर्ड्स आपको लर्न हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, जो आप सिंपल इंग्लिश बोलते हो डेली यूज में वो खुद ही रिप्लेस होती चली जाती है। ओके, जैसे मैंने अभी कहा नेग्लेक्टेड, मैं कह भी सकती थी जस्ट इग्नोर इट। ऐसे ही होता है एक डिस्क्लोज यानी कि खुलासा करना, ठीक है, और एक वर्ड होता है रिवील यानी कि खुलासा करना। तो जनरली लोग रिवील वर्ड का यूज़ करते हैं बट डिस्क्लोज वर्ड बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, और डिस्क्लोज बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। सो दे आर सो मैनी इम्प्रेसिव वर्ड्स इन दिस इंग्लिश ऑनर्स, यू रियली इंजॉय इट। कम टू लॉन्गबोर्न। सो सेवरल डेज पास्ड आउट। बहुत सारे दिन बीत जाते हैं लेकिन मिस्टर बिंगले की तरफ से नीदरफील्ड से कोई भी हालचाल वगैरह लेने को नहीं आता है, ना कोई इनकी तरफ से लेटर आता है, ना कोई कॉल्स आती है, ना मैसेजेस वगैरह आते हैं। यानी कि जो पूरा एक कनेक्शन होता है वो बेनेट फैमिली के साथ थोड़ा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो अभी पता चलेगा। तो जो एलिजाबेथ और जेन होती है वो थोड़ी फिक्र करने लगती है कि मिस्टर बिंगले के यहाँ ऐसा हो क्या रहा है कि वो हमें कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सडनली एलिजाबेथ तो सडनली जेन के पास एक लेटर आता है। जेन रिसीव्ड अ लेटर, ठीक है, शी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम मिस बिंगले। मिस बिंगले जेन को एक लेटर लिखती है, ठीक है, और उस लेटर में क्या लिखा होता है कि अब विंटर आ गई हैं तो सर्दियों के लिए हमारी फैमिली जो है लंदन शिफ्ट हो चुकी है। ओके, यानी कि जो बिंगले की फैमिली है वो कहाँ शिफ्ट हो गई है, शिफ्टेड टू लंदन। और साथ ही वो लेटर में ये भी इन्फॉर्म करती है कि हो सकता है बहुत ही जल्द मिस्टर बिंगले जो है डर्सी की बहन से शादी कर ले। ओके, किससे, मिस डर्सी। तो जो मिस बिंगले है, बिंगले की बहन, जेन को एक लेटर में ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि हम लंदन शिफ्ट हो चुके हैं सर्दियों के लिए और हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में मिस्टर जो हमारे भाई हैं वो डर्सी की बहन से शादी कर ले। ठीक है, अब जो इसकी बहन होती है एलिजाबेथ वो भी ये लेटर पढ़ती है या जेन उसे बताती है। एलिजाबेथ लेटर के एक भी वर्ड पे यकीन नहीं करती, ठीक है, क्योंकि लेटर पढ़कर जेन जो है दुखी हो जाती है बिकॉज इन दोनों का ऑलमोस्ट अफेयर वो काफ़ी ग्रो हो चुका होता है। और एलिजाबेथ इस लेटर पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती है, वो कहती है तुम यकीन मत करो ये बात झूठी है। बिकॉज जो मिस बिंगले होती है, बिंगले की बहन, वो ऑलरेडी बेनेट फैमिली को पसंद नहीं करती, तो वो यही चाह रही होती है कि कैसे भी करके इन दोनों को अलग किया जाए। ओके, और एक तरफ जो है जो मिस्टर विकम का जो भी पास्ट सीन होता है, जो भी झूठी स्टोरी सुनाता है एलिजाबेथ को, वो हर तरफ फैल जाती है। यानी कि एलिजाबेथ खुद अब डर्सी की बुराइयां करना स्टार्ट कर देती है, वो अपने रिश्तेदार में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में सबको बताती है कि मिस्टर विकम ने मुझे क्या स्टोरी सुनाई है और डर्सी का कैरेक्टर कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ डर्सी कैरेक्टर इज इन द नॉवल। वो भी डर्सी की इमेज जो है सबकी नज़रों में ख़राब करती है, लेकिन वो तो इस बात को सच मानकर ही बोलती है, उसे नहीं पता कि वो उसको खुद झूठ बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह जो डर्सी की इमेज होती है वो ऑल ओवर सभी कैरेक्टर्स के बीच में ख़राब हो जाती है। सडनली क्या होता है, बेनेट फैमिली के यहाँ उसके अंकल एंड आंट आते हैं, एलिजाबेथ और जेन के अंकल एंड आंट। कौन, मिस्टर गार्डिनर एंड मिसेस गार्डिनर।
मिसेस मिस्टर गार्डिनर एंड मिसेस गार्डिनर दे आर राइट एट देयर होम. ये लोग इनके घर पे आते हैं और ये कौन होते हैं अंकल और आंट किसके एलिजाबेथ और जेन के यानी कि जो मिसेस अंकल आंट होते हैं एलिजाबेथ और जेन के यानी कि उनकी 5 डॉटर्स होती हैं उनके अंकल आंटी लगते हैं. लेकिन रिश्तेदारी में जो उनकी मदर है मिसेस बेनेट मिसेस बेनेट के ये कौन है ब्रदर एंड भाभी आप कह सकते हो. ठीक है मिसेस बेनेट के जो ये है भाई हैं और ये कौन है उनकी भाभी है. तो ये इनके घर पर आते हैं और इनको भी सारी स्टोरी पता चलती है अबाउट जेन एंड बिंगले की और जेन के साथ जेन को क्या लेटर मिला है उसमें क्या लिखा है वो सब इन्हें पता चलता है. तो इन्हें जेन के लिए बहुत दुख होता है. लेकिन जो मिसेस गार्डिनर है ये जो गार्डिनर है ये ना पहले से ही विकम और डर्सी इन दोनों के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानती होती है. ठीक है शी नोज वेरी वेल देम. तो इसको ये भी पता होता है डर्सी कैसा है इसको ये भी पता होता है और विकम कैसा है. तो ये क्या करती है एलिजाबेथ से बात करती है क्योंकि इसे भी पता चलता है जब एलिजाबेथ हर जगह गा चुकी होती है कि डर्सी कैसा है कैसा इंसान नहीं है तो इसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है. तो ये एलिजाबेथ को कहती है कि तुम विकम की किसी भी बात पे यकीन मत करो वो एक बहुत बड़ा झूठा है ही इज अ सुपर लायर. ले और क्योंकि और साथ के साथ एलिजाबेथ के जो अट्रैक्शन है एलिजाबेथ की जो अट्रैक्शन है वो विकम की तरफ बढ़ चुकी होती है. तो गार्डिनर उसे आगाह करती है कि जो भी तुम्हारे और विकम के बीच चल रहा है उसे वहीं का वहीं ख़त्म कर दो. लेकिन एलिजाबेथ उसको अश्योर करती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक है वी आर ओनली फ्रेंड्स. ठीक है अब यहाँ पे आप नोट करो कि यहाँ पे एलिजाबेथ को दो लोगों ने वॉर्न किया है किसके लिए विकम ने. एक तो बॉल पार्टी में किया था किसने मिस बिंगले ने बिंगले की बहन ने उसको वॉर्न किया था कि इस पर कि कुछ भी कहे कभी यकीन मत करना. और सेकंड इसको मिसेस गार्डिनर ने भी वॉर्न कर दिया. ठीक है यानी कि अब दो लोगों से इसे वार्निंग मिल गई है इसके कैरेक्टर के बारे में. लेकिन फिर भी ये लड़की जो है यकीन नहीं कर रही है डर्सी के लिए अपनी प्रेजुडाइस लेकर अभी भी एग रही है. ओके सेकेंड थिंग मिसेस गार्डिनर क्या करती हैं जेन के लिए उन्हें पता होता है जेन इज टू मिजरेबल अभी वो बहुत दुखी है बहुत ज्यादा ग्रीफ में है. तो ये मिस्टर मिसेस बेनेट को सलाह देती है एडवाइस करती है कि जेन को कुछ वक्त के लिए बाहर जाना चाहिए यानी कि किसी भी टूर पे जाना चाहिए चाहे वो किसी भी टूर पे जाना चाहिए ताकि उसका मन जो है थोड़ा शांत हो जाए घूमेगी फिरेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा. और वो डिसाइड करती हैं कि वो जेन को अपने साथ लंदन लेकर के जाएंगी. ठीक है शी डिसाइडेड टू मूव लंदन अलोंग विद जेन. ये ठीक है ये बोल देती हैं कि जेन को मैं अपने साथ लंदन लेकर के जाऊंगी. और लंदन में ऑलरेडी किसकी फैमिली शिफ्ट हो चुकी है बिंगले की यानी कि अब लंदन में जेन को बिंगले से मिलने के मौके मिल सकते हैं. ओके और ये खबर सुन के जेन जो है खुश हो जाती है. अब चलते हैं लंदन में आग वहाँ की स्टोरी देखते हैं वहाँ क्या सीन चल रहा है और आगे स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है. चलिए अब जो जेन है वो अपनी आंट के साथ यानी कि मिसेस गार्डिनर के साथ लंदन आ चुकी है. ठीक है जेन प्लस मिसेस गार्डिनर इनके साथ वो आई है लंदन. लंदन आकर वो क्या करती है मिस बिंगले को एक लेटर लिखती है अपने अराइवल का इंफॉर्मेशन देती है किसको मिस बिंगले यानी कि बिंगले की बहन को लेटर लिखती है.
ठीक है, ये इनको एक लेटर लिखती है मिस बिंगले को, अपने अराइवल का इन्फॉर्मेशन देती है कि मैं अभी लंदन आ चुकी हूँ, बट जो मिस बिंगले है वो इसके लेटर का वापस से कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं देती, ठीक है, इग्नोर कर देती है लेटर। फिर जेन कौन क्या करती है, इनके घर जाती है मिलने, शी विजिट, लेकिन मिस बिंगले इनका इसका जो है वार्मली वेलकम भी नहीं करती, अच्छे से बात भी नहीं करती और इग्नोर करती है, ठीक है। और उस टाइम जो है बिंगले घर पर नहीं होते हैं प्रेजेंट, इसलिए ये उनसे मिल भी नहीं पाती। तो ये क्या करती है, ये सारा जो भी इसने कुछ रियलाइज किया होगा ये एक लेटर लिख देती है सब कुछ उसको, एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ का यहाँ अभी लॉन्ग बॉन्ड में है, अपने घर है, क्योंकि लंदन तो अभी सिर्फ यही आई है, ठीक है। ये इसको लेटर में सब कुछ लिख देती है कि मिस बिंगले का बिहेवियर कैसा हो चुका है मेरे लिए और वो कैसे मुझे इग्नोर कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला। इधर ये लेटर पढ़ के तो दुखी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये पहले से ही दुखी होती है एलिजाबेथ। ये पहले से क्यों दुखी होती है, लॉन्ग बॉन्ड, ये लॉन्ग बॉन्ड है, अब ये लॉन्ग बॉन्ड में ही है, ठीक है। ये पहले से क्यों दुखी होती है, क्योंकि इसका जो अट्रैक्शन है वो विक्रम की तरफ होता है, ले और विक्रम कौन है वो एक नंबर का मक्कार है जो उसी लड़की के पीछे पड़ता है जो पैसे वाली हो, ठीक है। और इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो पहले से ही वीक है, तो वो एलिजाबेथ को छोड़कर अपनी अटेंशन एक मिस किंग की तरफ कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से नोट कर लो, एलिजाबेथ किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, मिस्टर विक्रम। लेकिन जो विक्रम है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, मिस किंग। ये एक माइनर कैरेक्टर है, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इस बात से ही बहुत ज्यादा दुखी होती है, ठीक है। लेकिन एंड में ये शादी इसी की बहन से करेगा, ठीक है, अभी आप ध्यान देना, अभी सिर्फ इसका थोड़ा कैरेक्टर लूज चल रहा है, बस इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, शादी नहीं हुई है ना एंगेजमेंट हुई है, ठीक है। और जब नोवेल खत्म होगा ना तो एंड में मैं आपको जितने भी कपल्स बनते जाएंगे सबका एक एक लिखती चली जाऊंगी कि वो कपल एरो डाल करके इस पहले इससे अट्रैक्ट था, फिर एंड में जाके वो इससे मिला, ठीक है। तो इस तरह आपको नोवेल में कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा कैरेक्टर किसकी तरफ अट्रैक्ट था पहले और एंड में जाके किससे मिला, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ ये लेटर लिख देती है और ये एक तो इस बात से पहले से ही दुखी होती है, ऊपर से लेटर पढ़ के और दुखी हो जाती है। तो चलिए अब लंदन के सीन को थोड़ा बंद करते हैं, और ध्यान रखना अभी जेन जो है लंदन में ही है, थोड़े टाइम बाद वो अपने घर भी आ जाएगी। तो अभी लंदन में इतना ही था, कम बैक टू लॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि लॉन्ग बॉन्ड में अभी एलिजाबेथ है, देखते हैं वहां क्या चल रहा है। एलिजाबेथ, इसको एक इनविटेशन आता है, शी रिसीव द इनविटेशन फ्रॉम चार्लेट लुकस, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, जो मिस्टर कॉलिन के साथ एंगेज हो गई होती है, ठीक है, वो इस इनको क्या है इनवाइट करते हैं अपनी शादी के लिए, कहाँ, हंसफोर्ड में। हंसफोर्ड एक जगह का नाम है। मिस्टर कॉलिन प्लस चार्लेट लुकस ये एलिजाबेथ को और उनकी फैमिली को इनवाइट करते हैं अपनी वेडिंग के लिए, कहाँ पे, एट हंसफोर्ड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारी लोकेशन आ रही है हंसफोर्ड और रोजिंग की, ठीक है, रोजिंग अभी मैं लिखूंगी वो कैसे आती है लोकेशन। हंसफोर्ड और रोजिंग ये दो ही ऐसी लोकेशन है जहां से एलिजाबेथ और डर्सी का अफेयर स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि अब नोवेल में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है इनके अफेयर के लिए। तो लोकेशन ध्यान रखना हंसफोर्ड और रोजिंग, अभी मैं सब कुछ डिस्क्राइब करती हूँ। ओके, सो नाउ कम्स टू हंसफोर्ड, लोकेशन हैज ऑलरेडी रिटर्न। अब यहाँ आप ध्यान दो कुछ कैरेक्टर्स पे, एलिजाबेथ चार्लेट कॉलिन, ठीक है, मिस डी गौर और
लेडी कैथरीन डी बोर. ओके मिस डिबोरा लेडी डी कैथरीन बोर. जब मैंने कैरेक्टर्स बताए थे स्टार्टिंग में तभी मैं बता चुकी थी कि लेडी कैथरीन कौन है. डर्सी की आंट है. ठीक है ये कौन है डर्सीज आंट. ये डर्सी की आंट है. जैसे मिसेस गार्डिनर और फिलिप एलिजाबेथ की आंट है वैसे ही ये लेडी कैथरीन डर्सी की आंट है. और ये जो मिस डी बोर्ड है ये इसकी डॉटर है. ठीक है ये कौन है इसकी डॉटर. तो एक बात मैं आपको डिस्क्राइब करना भूल गई थी उस वक्त जब विकम एलिजाबेथ के कान भर रहा था कि कैसे बचपन से डर्सी और उसके पापा ने मेरे साथ अन्याय किया है. तब उसने एलिजाबेथ को ये बात भी बताई थी कि हो सकता नहीं है बहुत ही जल्द डर्सी जो है लेडी कैथरीन की डॉटर से शादी करने वाला है. ठीक है वो ये भी इन्फॉर्म करता है. तो एट हंसफोर्ड में क्या होता है चार्लेट और कॉलिंस जो अपनी वेडिंग के लिए सबको इनवाइट करते हैं एलिजाबेथ का ये लोग वेलकम करते हैं. दे वेलकम्ड एलिजाबेथ वार्मली यानी कि दिल से बहुत अच्छा वेलकम करते हैं. और यहाँ पर एलिजाबेथ जो है इससे मिलती है मिस डी बोर्ड से. ठीक है शी मेट्स मिस डी बोर्ड सॉरी हाँ शी मेट्स मिस डी बोर्ड इससे मिलती है. और ये उस वक्त थोड़ी बीमार हालत में होती है सिकली अच्छी नहीं दिख रही होती है थोड़ी बीमार टाइप होती है लटकी पटकी सी. तो ये सोचती है चलो अच्छा ही है डर्सी के लिए तो ऐसी ही लड़की अच्छी है उसको तो इसी से शादी करनी चाहिए यही है उसके लायक इस टाइप से. ठीक है वो ये मन में सोचती है कहती नहीं है. ऑन द अदर हैंड क्या होता है ये जो लेडी कैथरीन है चार्लेट मिस्टर कॉलिन को और उसकी फैमिली को और इन यहाँ पर जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं हंसफोर्ड में सबको रोजिंग में इनवाइट करती है. ओके किसके लिए डिनर के लिए. शी इनवाइट्स कॉलिन फैमिली एंड ऑल अदर गेस्ट At dinner, sorry for dinner. कहाँ पर? Dinner कहाँ पर? Rosings में जहाँ पे ये रहती है, ठीक है? At Rosings. तो अब Rosings का देखते हैं. Rosings में dinner party में क्या होता है? Rosings और Hunsford के events को और यहाँ पे जितनी भी बातचीत हुई है सबके बीच वो आपको बहुत ध्यान रखनी है बिकॉज यही एक नोवेल का स्टोरी का बहुत टर्निंग पॉइंट है जहाँ से एलिजाबेथ के व्यूज बदलने स्टार्ट होते हैं अबाउट डर्सी. ठीक है हंसफोर्ड ये मैं साथ साथ इसलिए लिख रही हूँ एंड रोजिंग बिकॉज जैसे लॉन्गबोर्न और नीदरफील्ड आपस में नेबर थे ना लोकेशन वाइज वैसे ही हंसफोर्ड और रोजिंग आपस में नेबर हैं लोकेशन वाइज. ठीक है सो रोजिंग के डिनर पार्टी में क्या होता है कुछ खास नहीं होता यहाँ पर बट फिर भी आपको जानना तो पड़ेगा ही. जितने भी गेस्ट होते हैं और जो लेडी कैथरीन है ना वो इस टाइप की लेडी है कि अपने आगे किसी की सुनती नहीं है. ठीक है वो सिर्फ सुनाना जानती है सुनना नहीं जानती है. तो पार्टी में वो बस यही करती है खड़ी हो जाती है एक स्टेज पर और सबको भाषण देती है अपना अपने बारे में बताती है लोगों से क्वेश्चन पूछती है. ठीक है कैथरीन और जो वो होती है चार्लेट उसकी शादी होने वाली होती है तो उसको वेडिंग के ऊपर अपना लेक्चर देती है कि अब तुम्हें घर बार कैसे संभालना चाहिए हाउस होल्ड कैसे मैनेज करना चाहिए वगैरह वगैरह. और एलिजाबेथ को भी ये खड़ा करती है एलिजाबेथ से भी ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है. ठीक है लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही ब्रेवली खड़े होकर इसके हर एक क्वेश्चन का बोल्डली आंसर करती है. ठीक है बड़े अच्छे से. तो बस डिनर पार्टी में इतना ही होता है कुछ खास नहीं होता. देन 15 डेज जो होते हैं 15 दिन एलिजाबेथ के बहुत अच्छे बीतते हैं
बहुत खुशी खुशी उसके अच्छे बीतते हैं हंसफोर्ड में, रोजिन में। देन कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो डर्सी है वो अपने कजन के साथ रोजिंग आता है घूमने फिरने के लिए और रहने के लिए। डर्सी विद हिज कजन कॉलोनल फिट्ज़विलियम, कॉलोनल फिट्ज़विलियम, ठीक है, ये कौन है, डर्सी का कजन है, कजन ऑफ डर्सी। ये दोनों आते हैं रोजिंग घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, डर्सी जो है रोजिंग में रहने स्टार्ट करता है और जो एलिजाबेथ है वो हंसफोर्ड में आई हुई होती है रहने, अपनी आंट के, सॉरी उनके इनविटेशन पर, कॉलिन के वगैरह के, तो अपने फ्रेंड के यहाँ ये रहती है। तो दोनों ही मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं इधर उधर से, फिर रास्ते में मिलना जुलना इनका शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, सडनली आपको कोई मिल जाए, ठीक है, इस टाइप से इनका मिलना जुलना डेली शुरू हो जाता है। और फिर थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है, हाय हेलो होती है, लेकिन डर्सी और एलिजाबेथ के बीच कभी खुल के कोई बात नहीं होती, ठीक है। वेरी फ्यू वर्ड्स पास्ड अवे बिटवीन देम, दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते हैं, बहुत ही कम शब्दों में बात करते हैं, ओके। तो इस टाइप से इनकी जो है मीटिंग्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, कहाँ, हंसफोर्ड और रोजिंग के बीचों बीच, जब भी ये सैर पे कुछ भी शॉपिंग वगैरह करने निकलते होंगे तो इस टाइप से इनका मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, अब यही वो टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना आप लोग। अचानक वॉक करते करते एलिजाबेथ को रास्ते में ये मिल जाता है, उसका कजन, कौन, डर्सी का कजन, और वो उसको रास्ते में देखकर चौंक जाती है, शी वाज सरप्राइज्ड। तो मैं लिख देती हूँ, दे मेट, ठीक है। और कॉल, और ये जो फिट्ज़विलियम है एलिजाबेथ को इन्फॉर्म करता है, क्या इन्फॉर्म करता है, दैट हाउ डर्सी हैड सेव्ड हिज फ्रेंड मिस्टर बिंगले फ्रॉम एन अनवाइज मैरिज। ये इसको बताता है एलिजाबेथ को कि कैसे डर्सी ने जेन, और ये है बिंगले, कैसे डर्सी ने अपने दोस्त बिंगले को बचाया है एक बहुत ही बेवकूफ भरी अनवाइस मैरिज से, ठीक है। क्योंकि अगर इनका जो लव अफेयर है वो ग्रो होता तो डेफिनेटली इनकी शादी भी होती। तो ये इसको बताता है कि डर्सी ने ही बिंगले का जो रिश्ता है अपनी बहन मिस डर्सी से फिक्स करवाया है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्म करता है कि जो जेन को लेटर मिला था जिसमें ये बात लिखी गई थी कि मिस बिंगले की शादी बहुत ही जल्द डर्सी की बहन से होने वाली है, वो सच थी, ठीक है। वो इन्फॉर्म करता है कि डर्सी ने कैसे बिंगले को बहुत ही स्टूपिड मैरिज से बचाया है, स्टूपिड मैरिज किसकी, जेन और बिंगले की, ठीक है, अनवाइस मैरिज, ठीक है। जैसे वो ये खबर सुनती है तो एलिजाबेथ बहुत ज्यादा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, किसके लिए, डर्सी पर ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है, ठीक है। सबसे नाराज हो जाती है ये और खुद को कमरे में लॉक कर लेती है, और ये रोजिंग पे भी नहीं जाती है चाय पानी के लिए, किसी से भी मिलना जुलना ये बंद कर देती है। तो सडनली तो इसने क्या किया है, वो न्यूज सुनते ही उसके कजन से शी शट हर अप इन द रूम, खुद को कमरे में बंद कर लिया है, ठीक है। सडनली एक दिन इसका डोर बेल, जो बेल है घर की, वो रिंग होती है, एंड शी ओपन द डोर और जैसे ही दरवाजा खोलती है ये चौंक जाती है, दरवाजे पर कौन होता है, विद डर्सी,
जो उससे मिलने आया होता है, ठीक है। तो डर्सी जो है एलिजाबेथ से अपने दिल की बात कहने आया होता है, क्योंकि काफी टाइम से ये लोग रोजिंग और हंसफोर्ड में मिल रहे थे। तो धीरे धीरे जो डर्सी का बिहेवियर है वो एलिजाबेथ के लिए चेंज हो गया, यानी कि जो डर्सी की प्राइड थी, जो उसका गुमान था, वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो गया। ओके, अब इसका जो एटीट्यूड है एलिजाबेथ के लिए वो बहुत ही ज्यादा लविंग हो गया। तो इसने अपने दिल की बात एलिजाबेथ से कही। He proposed to Elizabeth that he loved her. He proposed to Elizabeth. ठीक है, यहाँ पे डर्सी ने क्या किया, एलिजाबेथ को प्रपोज किया है। अब एलिजाबेथ का क्या रिएक्शन रहता है वो देखते हैं। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, नाउ डर्सी हैज प्रपोज टू एलिजाबेथ, डर्सी ने प्रपोज कर दिया है, लेकिन किस कंडीशन में, उसे एलिजाबेथ की तो कंडीशन ही नहीं पता कि वो उससे कितना ज्यादा गुस्सा है और उसके कितने कान भरे गए हैं उसके खिलाफ, ठीक है। तो एलिजाबेथ का जाहिर सी बात है बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन होता है। फर्स्टली तो ये इसके प्रपोज को रिजेक्ट करती है, ठीक है, शी रिजेक्टेड हर ऑफर, सॉरी शी रिजेक्टेड हिज ऑफर। देन उस पे दो चार्ज भी लगाती है, दो इल्जाम लगाती है। क्या, पहला कि तुमने मेरी बहन की खुशी छीनी है, बिंगले और जेन को अलग किया है अपनी बहन को बीच में ला करके, ठीक है। एक तो ये जेन के लिए, जेन की हैप्पीनेस के लिए इसको दोष देती है कि यार वो दुखी है तो तुम्हारे कारण। सेकंड ये क्लेम लगाती है विक्टिम के लिए, और तुमने बचपन से विक्टिम के साथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुमने बचपन से ही उसके साथ बहुत घोर अन्याय भी किया है। तो डर्सी क्या करता है, जो ये पहला इल्जाम लगाती है जेन वाला, उसको तो एक्सेप्ट कर लेता है। ही एक्सेप्टेड फर्स्ट क्लेम बट ही रिजेक्टेड सेकंड क्लेम। और ये जो विलियम के बारे में वो कहती है कि तुमने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, इस वाले क्लेम को वो, दोष को वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, और चुपचाप बस वहां से निकल जाता है विदाउट गिवन एनी एक्सप्लेनेशन। अपनी बात वो नहीं कहता कि मैंने ऐसा क्यों किया और ये झूठ है, ये सब वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है, ये सब सुनकर एक्सेप्ट रिजेक्ट कर वो वहां से चला जाता है। देन नेक्स्ट डे जब ये पार्क में मिलते हैं दोनों, डर्सी एंड एलिजाबेथ, ठीक है, कहाँ मिल रहे हैं, पार्क में। सो ही हैंडेड हर अ लेटर, ये इसको एक लेटर पकड़ा देता है, ठीक है, लेटर क्यों पकड़ाता है, बिकॉज जो बात हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उनको, उसको हम मैसेज में या लेटर के थ्रू अब पहुंचाते हैं। तो डर्सी जो है एलिजाबेथ को एक लेटर देता है और वहां से चला जाता है। और जब एलिजाबेथ उस लेटर को रीड करती है तो उस रीड में उसके उसके दोनों इल्जामों का एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। पहला इल्जाम क्या था, जेन के लिए कि उसने उसकी बहन की खुशी छीनी, बिंगले और जेन को अलग किया। तो डर्सी कहता है, डर्सी एक्सप्लेन्ड दैट ही डिडंट नो अबाउट जेन लव्स फॉर बिंगले। वो कहता है कि मुझे नहीं पता होता है कि तुम्हारी बहन बिंगले से प्यार करती है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी अपनी बहन को बीच में नहीं लाता, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देता है इसका। सेकंड विक्रम के लिए वो क्या कहता है कि मैंने विक्रम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसा उसने तुमको बताया है, ठीक है, इवन उसने मेरी बहन के साथ भागने की कोशिश करी पैसों के लालच में, और मेरे को जगह जगह उसने हर जगह बदनाम किया है, मेरे पापा ने उसके साथ कभी भेदभाव नहीं किया है, ठीक है। और वो ये भी बताता है कि चर्च में जो डर्सी ने उसको पैसे दिए थे लॉ की पढ़ाई के लिए, वो उसने कैसे अय्याशी में उड़ा दिए थे, ठीक है, वो सारा सच लिख देता है। और जब एलिजाबेथ ये लेटर रीड करती है तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, और ज्यादा गुस्सा आता है लेटर पढ़ करके, ठीक है। लेकिन फिर वो क्या करती है, लेटर को बार बार पढ़ती है, शी रीड लेटर अगेन एंड अगेन, और सडनली वो क्या सोचती है, एनालाइज करने लगती है अपने माइंड में ही कि मुझे विक्रम के लिए
जो है मिसेस गार्डिनर, उन्होंने वॉर्न किया था, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मिस बिंगले यानी कि बिंगले की बहन ने भी वॉर्न किया था कि इसका कैरेक्टर कैसा है। और थर्डली अच्छा जो फिर इसका कजन होता है फिट्ज़विलियम, वो भी एलिजाबेथ से मिलता है और कुछ बातें विक्टिम की क्लियर करता है। अब जो है एलिजाबेथ बिल्कुल कंफर्म हो जाती है दैट डर्सी वाज राइट एंड विक्टिम वाज टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो लेटर पढ़ने के बाद और थोड़ा अपना पास्ट एनालिसिस करने के बाद कि उसको किस किस से वार्निंग्स मिल चुकी है विक्टिम के लिए, इतना कुछ एनालिसिस करने के बाद अब जो एलिजाबेथ का एटीट्यूड है वो डर्सी के प्रति पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, शी चेंज्ड टोटली टुवर्ड्स डर्सी एंड फॉर विक्टिम आल्सो। ठीक है, विक्टिम और डर्सी दोनों के लिए एटीट्यूड चेंज हो जाता है। डर्सी के लिए उसके मन में प्यार उमड़ने लगता है, ठीक है, वो उसको पसंद करने स्टार्ट कर देती है और अपनी मूर्खता पर, अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा उसको अशेम्ड फील होता है, शर्मिंदगी फील होती है कि मैं कितनी गलत थी डर्सी के लिए और मैंने उसके बारे में कितना गलत सोचा और उसके बारे में कितनी गलत गलत बातें मैंने इधर उधर सबको बताई, तो सब कुछ वो गिल्टी फील करती है। और विक्टिम पे भी, विक्टिम पे तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है, तो अब ये जो दोनों होते हैं ये लोकेशन छोड़ने वाले होते हैं। ये सब ड्रामा होने के बाद अगले दिन क्या होता है, ठीक है, जब ये सारा खुलासा वगैरह हो जाता है अच्छे से, देन नेक्स्ट डे जो डर्सी है और जो उसका कजन था फिट्ज़विलियम, ये उसको लेटर तो पकड़ा देता है और अगले दिन जो है ये दोनों रोजिंग से चले जाते हैं, दे लेफ्ट रोजिंग। ठीक है, अब ये क्या है, निकल गए रोजिंग से। और इधर जो है एलिजाबेथ वो भी हंसफोर्ड छोड़ के अब जाने वाली होती है। ठीक है, एलिजाबेथ अब ये भी हंसफोर्ड छोड़ के जाएगी क्योंकि ये रोजिंग छोड़ गया, अब ये हंसफोर्ड जाएगी और कहाँ जाएगी, अपने घर लॉन्गबोर्न। लेकिन लॉन्गबोर्न जाने से पहले ये लंदन जाती है, कहाँ जाती है ये, पहले लंदन, इसलिए अपनी बहन जेन को पिक करने, क्योंकि जो जेन है वो अपनी आंट मिसेस गार्डिनर के साथ वहाँ लंदन गई होती है। ठीक है, तो वहीं थी इतने टाइम तक, तो पहले ये लंदन जाती है अपनी जेन बहन को वहाँ से पिक करती है और फिर ये दोनों एक साथ कहाँ पहुँचते हैं, अपने घर लॉन्गबोर्न। ठीक है, अब ये वापस घर आ गए हैं, देखते हैं घर पे क्या होता है, टू बी कंटिन्यू। चलिए अब आगे का स्टोरी देखते हैं। लॉन्गबोर्न आ गए हैं एलिजाबेथ और जेन वापस से, कहाँ से लौट रहे हैं ये, एलिजाबेथ कहाँ से लौट रही है, कहाँ से लौट रही है, हंसफोर्ड। ठीक है, जेन को साथ लेकर लंदन से। यहाँ पर क्या होता है, एलिजाबेथ जेन को सब कुछ एक्सप्लेन करती है, सारी सच्चाई बताती है अबाउट डर्सी एंड अबाउट विक्टिम। ठीक है, अब इसकी नजर में हीरो बन चुका होता है, इसके लव अफेक्शंस और ज्यादा ग्रो हो चुके होते हैं और विक्टिम तो विलन है ही। ठीक है, प्रूफ भी हो गया, अब विक्टिम विलन है। ठीक है, ये सब कुछ जेन को सच्चाई बता देती है कि डर्सी कैसा लड़का है और कैसे विक्टिम ने मुझे उल्लू बनाया। चलो अब हमारी लास्ट लोकेशन आ रही है पैम्बरले और फिर से लॉन्गबोर्न। ठीक है, अभी पैम्बरले में देखते हैं क्या चलेगा क्योंकि अब नोवेल खत्म होने वाली है, सो आई एम फीलिंग रिलैक्स। लास्ट लोकेशन इज पैम्बरले एंड लॉन्गबोर्न। नोवेल जो है बहुत ज्यादा लंबी है, मुझे भी बहुत ज्यादा बोलना पड़ा है, जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड की थी तभी मुझे 7 days लग गए थे इसे समझने में, फर्स्ट ईयर था जब मेरा, सो आई टुक 7 days टू अंडरस्टूड ईच थिंग अबाउट द नोवेल।
And if you want how to write answers about the novel in your examination hall, so you can do comment. I will surely make video on that topic. Come to no. अभी पैम्बर ले जाने से पहले एक चीज आपको और बतानी है. अभी रिकॉल करना, मैंने एक मैरिटॉन आपको लोकेशन लिखवाया था पहले. मैरिटॉन में क्या हुआ था, मिसेस फिलिप के यहाँ वो लोग गए थे ग्रुप बनाकर, जहाँ पे एलिजाबेथ के कान भरे थे विक्किम ने. ठीक है, याद आ गया ना? हाँ, ये वही मैरिटॉन है. मैरिटॉन में वहाँ पे जो विक्किम रह रहा था और जो डेमी था अपने मिलिट्री, जो उनका मिलिट्री वहाँ पे दल बसा हुआ था, रेजिमेंट, मिलिट्री रेजिमेंट, ये सडनली कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, मैरिटॉन से ब्राइटटाउन. ठीक है, मैरिटॉन से ब्राइटटाउन ही शिफ्ट हो जाता है इनका रेजिमेंट, मिलिट्री रेजिमेंट. और जो मिलिट्री में है वो विक्कम है, काम करता है वहां पे, इसलिए उसको भी ब्राइटन शिफ्ट होना पड़ता है. सो नाउ विक्कम इज हेयर. कहाँ है विक्कम? शिफ्ट हो गया है अपने मिलिट्री के साथ ब्राइटन में. और ऑन द अदर हैंड जो लीडिया होती है, लीडिया कौन है? बेनेट्स की डॉटर है. ठीक है, एलिजाबेथ और जेन की बहन है. ये भी ब्राइटन चली जाती है. मिसेस फ्रॉस्टर इनके इनविटेशन पे. ये कौन है? आंट है. किसकी? इनकी. ठीक है, तो ये तो इनके इनविटेशन पे जाती है ब्राइटन, और विक्कम जो है इस वजह से जाता है. ठीक है, अभी ब्राइटन में क्या होता है, यानी कि विक्कम को और लीडिया को साथ में इन्वॉल्व होने का टाइम मिल जाता है. ठीक है, क्योंकि अभी आगे जाकर ये दोनों भागेंगे. तो अभी ये इतना ही सीन था. नाउ कम टू पैम्बरले. पैम्बरले में पहुंचने से पहले ये तो जान लो कि वो पैम्बरले गए क्यों हैं सब. ठीक है, लॉन्ग बॉन्ड में वो उसको सारी सच्चाई बताती है एलिजाबेथ जेन को. तो जो इनकी आंट होती है, मिसेस गार्डिनर एंड आंट और अंकल होते हैं वही गार्डिनर्स, वो एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ अब कुछ टाइम के लिए पैम्बरले चलना चाहिए. ठीक है, कहाँ चलना चाहिए? पैम्बरले. और पैम्बरले कौन सी जगह है? जहाँ पे डर्सी की फैमिली रहती थी. ठीक है, तो एलिजाबेथ को यहाँ जाने में थोड़ी शर्म आती है और वो थोड़ा हिचकिचाती है पैम्बरले जाने से. ठीक है, तो क्या करती है एलिजाबेथ, पहले इंक्वायरी करवाती है डर्सी के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में कि वो लोग अभी भी यहाँ रह रहे हैं या नहीं. तो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब डर्सी की फैमिली यहाँ नहीं रहती, वो लोग जा चुके हैं. ओके, तो ये सुनकर डर्सी जो है, सॉरी एलिजाबेथ जो है, रिलैक्स फील करती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अशेम्ड होती है अपनी गिल्टी पे एंड शी डोंट वॉन्ट टू फेस डर्सी एट ऑल. डर्सी को ये फेस नहीं करना चाह रही होती है. ठीक है, तो इस तरह से जो एलिजाबेथ है और जो जेन है वो गार्डिनर्स के साथ कहाँ जाते हैं? पैम्बरले. अब चलते हैं पैम्बरले में क्या होता है. ओके, नोवेल इज अबाउट टू फिनिश, सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड. अब एंड इसका देख करके ही जाना. पैम्बरले, ठीक है, पैम्बरले पहुंचकर एलिजाबेथ को एक हाउसकीपर मिलती है. कौन, क्या होता है इसका नाम? मिसेस रेनॉल्ड्स. ये हाउसकीपर है जो एलिजाबेथ को मिलती है. ये पैम्बरले जब ये जाती है रहने के लिए, तो ये घर में रहने के लिए उसको रूम्स दिखाती है. ठीक है, घर दिखाती है कि यहाँ पे रूम है, यहाँ किचन है, यहाँ वॉशरूम है, वगैरह वगैरह, तुम यहाँ इस तरह से रह सकते हो. साथ में ये डर्सी को ये ऑलरेडी जानती होती है डर्सी की फैमिली को और उसको, तो ये साथ साथ डर्सी की भी तारीफ करते हुए चलती है. ठीक है, शी प्रेजेस डर्सी.
ठीक है, डर्सी की पेंटिंग्स की तारीफ करती है, उसके वेल एजुकेटेड नेचर पे भी तारीफ करती है, ठीक है, और सब कुछ अच्छा अच्छा बोलती है इसके बारे में। तो सडनली क्या होता है, उसी पोजीशन पे एट द सेम स्पॉट डर्सी आ जाता है अचानक से, ठीक है। डर्सी अराइव देयर, डर्सी भी कहाँ गया अचानक, पैम्बरले, ठीक है। अब जैसे ही डर्सी की नजर एलिजाबेथ पे जाती है तो वो उसे चुपके से ऐसे फेर देता है अपनी नजर, ठीक है, क्योंकि वो तो उसे एक लेटर पकड़ा के आ चुका होता है वहां से। और एलिजाबेथ जो होती है वो डर्सी को देखकर थोड़ी शर्माती है, शी ब्लशेस। डर्सी जो है एलिजाबेथ से अच्छे से बात करता है, ही टॉक्ड विद हर वेरी जेंटली, ठीक है, एलिजाबेथ भी अच्छे से बात करती है। देन एलिजाबेथ जो है डर्सी को अपने अंकल आंट से मिलवाती है, गार्डनर्स से मिलवाती है, ठीक है, शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द गार्डनर्स। ठीक है, एंड देन डर्सी क्या करता है, उन सबको फिशिंग के लिए इनवाइट करता है और एलिजाबेथ से कहता है कि तुम अपनी बहन जेन को भी सबसे इंट्रोड्यूस करवाओ। ओके, नाउ अब जो दोनों का बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति वो टोटली चेंज हो गया है। एलिजाबेथ इज फ्री फ्रॉम हर प्रेजुडाइज एंड डर्सी इज फ्री फ्रॉम हर फ्रॉम हिज प्राइड। ओके, तो चलिए कम्स टू नेक्स्ट डे, अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है। चलिए अब मैंने स्पेक्स भी पहन लिया बिकॉज नाइट हो चुकी है, सो आई एम शूटिंग एट नाइट। नेक्स्ट डे डर्सी और जो इसकी बहन होती है मिस डर्सी, ये दोनों एलिजाबेथ को बुलाते हैं इनमेट, कहा They called Elizabeth in एक ऐसी जगह है धर्मशाला टाइप जहां कोई भी आकर के इजीली मिल सकता है, ठीक है, बिना रोक टोक के। तो ये इसको यहाँ बुलाते हैं ऐसी मिलने के लिए। सडनली यहाँ पे जो है बिंगले भी आ जाता है, ठीक है, मिस्टर बिंगले वो भी सडनली यहाँ पे अराइव हो जाते हैं। देन एलिजाबेथ क्या नोट करती है, ये जो डर्सी की बहन है और ये जो बिंगले है इन दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ऐसा कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है जिससे लगे कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, ठीक है, नॉट लव अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो एलिजाबेथ ये नोट करती है और फिर थोड़ी इंटरनली वो सेटिस्फाई हो जाती है, चलो जो मिस्टर बिंगले हैं वो मेरी जेन के लिए बिल्कुल लॉयल हैं। देन क्या होता है, जो डर्सी है, डर्सी इनवाइट करता है सबको डिनर के लिए, कहां, पिम्बरले में, ठीक है, ही इनवाइटेड फॉर डिनर ऑल ऑफ देम एट पिम्बरले, ठीक है। फिर डिनर होता है रात को, यहाँ पे बातें वगैरह होती हैं, बस डिनर कुछ वहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होता है। जो बिंगले की बहनें होती हैं वो अपना एटीट्यूड दिखाती हैं, एलिजाबेथ को थोड़ा डाउन शो करती हैं, ठीक है, तो इस टाइप से ही चलता है डिनर में। मैं जो है नोवेल का एक एक पॉइंट एक एक इवेंट बहुत ही डीप आपको समझा रही हूँ, आई डोंट थिंक कि इतना डीप एनालिसिस आपको और किसी वीडियो में मिलेगा, सो वॉच इट वेरी केयरफुली, एक एक इवेंट में बहुत ही केयरफुली आपको समझा रही हूँ, ठीक है, इसलिए स्किप तो करना मत। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी सेम नोवेल का आपके लिए डीप एनालिसिस का भी वीडियो बना दूँ थीम्स का, जिसमें थीम्स की एनालिसिस होती है, बिकॉज एग्जाम में आपको आंसर शीट में पूरा स्टोरी नहीं लिखना होता है, एटलीस्ट यू हैव टू एनालाइज देयर टू और थ्री थीम्स, वहाँ पे आपको नोवेल की थीम्स एनालिसिस करनी होती है, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगी, उसके लिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और जैसे ही वो वीडियो रेडी हो जाएगा मैं ऊपर आई बटन में भी उसको मेंशन कर दूंगी एडिट करके।
तो चलो अब आगे देखते हैं डिनर के बाद क्या होता है। नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजाबेथ रिसीव्ड अ लेटर दैट इज डिलीवर्ड फ्रॉम जेन। ठीक है, वो लेटर इसे कौन डिलीवर करता है? जेन। और उस लेटर में क्या इंफॉर्मेशन होती है? इस लेटर में लिखा होता है दैट लीडिया, जो इनकी छोटी बहन है, लीडिया हैड एलोप्ड विद विकम। जो लीडिया है वो विकम के साथ भाग गई। ठीक है, जैसे ही वो लेटर ही पढ़ती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दुखी भी हो जाती है। घबराएगी तो डेफिनेटली, बिकॉज उसकी बहन ऐसे पर्सन के साथ भागी है जो विश्वास करने लायक तक नहीं है। ठीक है, जिसकी हर एक बात झूठ होती है। तो जैसे ही उसको ये न्यूज मिलती है तो वहां पर जो है डर्सी भी आ जाता है सेम जगह पर। तो वो सारा लेटर में जो इंसिडेंट होता है वो डर्सी को बताती है कि मेरी बहन जो है विक्टर के साथ भाग गई है, ऐसे ऐसे बात है। तो डर्सी क्या है, एलिजाबेथ को रिलैक्स फील करवाता है और उसको दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, ये सीक्रेट मैं अपने तक ही रखूंगा और ये बात मैं कहीं भी नहीं फैलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इस टाइप की बात नहीं फैलाते हो तो डेफिनेटली आप डिफेम होते हो। डिफेम यानी कि बदनाम होते हो। ठीक है, ये बोल करके जो डर्सी है वो निकल जाता है इन दोनों को ढूंढने, ट्रेस करने। उसके बाद एलिजाबेथ के जितने भी फ्यूचर प्रोग्राम्स होते हैं, टूर के, घूमने फिरने के, ट्रैवलिंग के, ठीक है, आपने देखा ना नोवेल में वो कितना घूम रही है इधर से उधर, तो यहाँ पे अब उसका जो ट्रैवल पॉइंट है वो स्टॉप हो जाता है। अब वो अपने आगे के सारे टूर कैंसिल कर देती है और रिटर्न हो जाती है लॉन्ग बॉर्न। ठीक है, कहाँ जाती है वो? वापस अपने होम टाउन लॉन्ग बॉर्न। लॉन्ग बॉर्न आती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर बेनेट यानी कि उसके पापा और मिस्टर फोर्स्टर, फोर्स्टर कौन है? ये वही आंट है, सॉरी वही फोस्टर वही अंकल है जिनके यहाँ वो लेडिया रहने गई हुई थी ब्राइटन में। इसलिए मैंने आपको वो मैरिटन और ब्राइटन वाला इवेंट पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो विकम है वहां पे मिलिट्री पर्पस से गया हुआ था और लीडिया अपनी आंट के बुलाने पर गई थी। ठीक है, और ये कौन है? उन्हीं के पति हैं। तो इस तरह वहां पे वो दोनों एक दूसरे साथ इन्वॉल्व हुए और भाग गए। तो यहाँ तो एलिजाबेथ को पता चलता है, शी गेट टू नो कि मिस्टर बेनेट और फोस्टर जो है ऑलरेडी लंदन निकल चुके हैं। लंदन निकल चुके हैं किस लिए? लीडिया और विक्रम को ट्रेस करने, उन दोनों को पकड़ने के लिए। ठीक है, और जो मिस्टर गार्डिनर होते हैं, मिस्टर गार्डिनर ये भी अंकल है उसके, एलिजाबेथ के, ये भी लंदन निकल चुके होते हैं उन दोनों को ट्रेस करने के लिए। ओके, सो घर में जो है सब लोग परेशान हो रहे होते हैं लीडिया और विक्रम को लेकर। देन आफ्टर टू डेज, आफ्टर टू डेज जो गार्डिनर होते हैं लंदन गए होते हैं उन्हें पकड़ने, ये एक लेटर भेजते हैं लॉन्ग बॉन्ड में, एक लेटर भेजते हैं कि जो लीडिया और विक्रम है उनको पकड़ लिया गया है, दे वर ट्रेस्ड एंड बट वर नॉट मैरिड, लेकिन उन्होंने अभी शादी नहीं की है। ठीक है, एक तो वो पकड़े गए हैं एंड नॉट मैरिड। तो भाई बात आ जाती है इज्जत पर। ठीक है, कैसी इज्जत? यहाँ पर अब जो है लीडिया और विक्रम की जबरदस्ती शादी कराई जाती है। विक्रम जो है लीडिया से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन वो उसके साथ भाग चुका होता है, इसलिए लड़की की इज्जत को बचाने के लिए उसको सबके दबाव में आकर लीडिया से शादी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिस्टर बेनेट तक पहुंचती है
और जो मिस्टर बैनेट होते हैं वो अपनी मंजूरी यानी कि अपना एक कॉन्सेंट रिप्लाई भेज देते हैं कि हाँ जाओ तुम शादी करवा दो। ठीक है, शादी कहाँ होती है फिर लीडिया और विक्रम की? लंदन में। कॉन्सेंट रिप्लाई, कॉन्सेंट रिप्लाई यानी कि सहमति भरा रिप्लाई वो भेज देते हैं, ठीक है चलो तुम शादी करवा दो। तो लीडिया प्लस विक्रम गॉट मैरिड एट लंदन। ठीक है, लंदन में इनकी जो है शादी करवा दी जाती है। तो ये है हमारा सेकंड कपल जो नोवेल में बना है इस पॉइंट पर आकर। ठीक है, पहला कपल कौन था? कॉलिन और चार्लेटी। सेकंड कपल कौन है? लीडिया और विक्रम। अब थर्ड कपल बनेंगे बिंगले और जेन, और लास्ट कपल बनेंगे एलिजाबेथ एंड डार्सी। तो अब जितनी भी स्टोरी होगी वो सारी लॉन्गबोर्न में ही होगी। ठीक है, तो जब वो लोग शादी करके लॉन्गबोर्न आते हैं, कौन? विक्रम और लीडिया, ये लोग जब शादी करके लॉन्गबोर्न आते हैं घर पे, तो सब लोग इनसे नाराज होते हैं क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया होता है। लेकिन जेन और एलिजाबेथ के मनाने पर मिस्टर बैनेट जो है इनको अलाउ कर देते हैं घर में आना और शादी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो मिसेस बैनेट होती है इनकी माँ, वो बहुत ज्यादा खुश होती है, चलो एक बेटी की तो शादी हुई। ठीक है, ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो जब ये लीडिया आ जाती है अपने घर, ये एलिजाबेथ को बताती है, क्या बताती है? ये इन्फॉर्म करती है कि हमारी शादी में डर्सी भी प्रेजेंट था। डर्सी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट अवर मैरिज इन लंदन। ठीक है, ये बताती है कि डर्सी भी हमारी शादी में था और उसने हमारी शादी करवाई, हेल्प करी करवाने में। तो ये सुनकर जो है एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस वो ऑलरेडी ये सीक्रेट शेयर कर चुकी होती है डर्सी के साथ कि मेरी बहन भाग गई है, और डर्सी को तो अच्छा खासा पता है कि विक्रम कैसा लड़का है, फिर भी उसने शादी कराने में हेल्प करी। तो इस बात पे वो डर्सी से गुस्सा हो जाती है और एक इंस्टेंट लेटर लिखती है मिसेस गार्डिनर को। ठीक है, किसे लिखती है? मिसेस गार्डिनर को। और कहती है कि आप तो डर्सी से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने शादी करवाने में हेल्प करी। देन उसको भी एक कॉन्सेंट रिप्लाई मिल जाता है। इसको क्या रिप्लाई मिलता है डर्सी की तरफ से? कि उसको ना चाहकर भी उनकी शादी करवानी पड़ी, एक तो इज्जत की वजह से, और ऊपर से विक्रम ने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, क्योंकि जब ये लोग भागे थे तो कहीं ना कहीं से इसने टैक्स लिए थे, कर्जे लिए थे, तो वो सारे कर्जे जो है डर्सी ने चुकाए, और जो इसके मिलिट्री का कमीशन था वो भी उसने खरीदा। ठीक है, तो ये रिप्लाई सुनकर जो एलिजाबेथ होती है वो थोड़ी कूल हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और डर्सी की तारीफ करती है, चलो ठीक है ऐसी कंडीशन में तुमने जो किया वो अच्छा किया। ओके, सो फाइनली उस इंसिडेंट के बाद क्या होता है, बिंगले की जो फैमिली होती है, ठीक है, जो लंदन शिफ्ट हो गए थे विंटर सेशन के लिए, अब सर्दियां खत्म हो गई होती हैं और ये वापस से नीदरफील्ड आ जाते हैं रहने के लिए। ठीक है, अब ये नीदरफील्ड वापस आ गए हैं रहने के लिए, तो ये क्या करते हैं, बिंगले और डर्सी ये दोनों मिलकर जाते हैं कहां? बेनेट फैमिली, बेनेट्स फैमिली से मिलने जाते हैं। ठीक है, यानी कि अब इनका फिर से आना जाना और मिलना जुलना शुरू हो जाता है लॉन्गबोर्न और नीदरफील्ड के बीच। ठीक है, बिंगले जो है जेन से मिलता है, उससे अच्छे से बातें भी करता है, लेकिन जो डर्सी है वो एलिजाबेथ से बात ठीक से नहीं करता है। ठीक है, वो शर्मा रहा होता है, और दूसरी साइड ये भी शर्मा रही होती है। क्यों? क्योंकि अभी तक एलिजाबेथ ने डर्सी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया होता है। ओके, और इधर जेन और बिंगले क्या होता है इन दोनों का,
बिंगले कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे प्यार में बिल्कुल कमी नहीं आई है, ठीक है। एंड ही बिंगले प्रपोज टू जेन। बिंगले क्या करता है, जेन को प्रपोज कर देता है एंड इट वॉज एक्सेप्टेड बाय जेन, ठीक है। जेन भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि अब हमारा जो है थर्ड कपल यहाँ पे रेडी है शादी के लिए, जेन और बिंगले, ठीक है। और इस न्यूज़ के साथ जो बेनेट फैमिली है, बेनेट फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाती है, और जो मिसेस बेनेट होती है वो तो सातवें आसमान पे पहुंच जाती है, क्योंकि अब उनकी एक और बेटी की शादी होने जा रही होती है, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड ये जो डर्सी है ये 10 साल के लिए लंदन चला जाता है, ठीक है। ही हैज गॉन टू लंदन फॉर 10 ईयर्स, लेकिन अभी आएगा ये टाइम आएगा ये, और फिर एलिजाबेथ को भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना नोट कर लो, हमारा यहाँ पे थर्ड कपल बन गया है जेन और बिंगले का, ठीक है। सो फाइनली जेन एंड बिंगले की एंगेजमेंट हो जाती है, दे गॉट एंगेज्ड। और इनकी एंगेजमेंट के बाद अब बारी आएगी उन दोनों की, डर्सी एलिजाबेथ की, लेकिन कैसे वो देखो, अभी भी बीच में थोड़ा एक फंस रहा है काटा। आफ्टर एंगेजमेंट ऑफ जेन एंड बिंगले, सडनली लेडी कैथरीन वॉज अराइव्ड एट बेनेट्स फैमिली, ठीक है। ये आ जाती है अचानक से बेनेट्स फैमिली से मिलने। ये कौन है, मैं वो कितनी बार बता चुकी हूँ, डर्सी की आंट है, ठीक है। डर्सी की आंट है जिसकी बेटी से डर्सी की एंगेजमेंट हो चुकी थी, ठीक है। और यही न्यूज जो है एलिजाबेथ को दी थी, किसने, विक्कम ने। ये आती है, लेकिन ये सबसे रूडली बिहेव करती है, ठीक है। शी बिहेव वेरी रूडली विद ऑल। और जो रिफ्रेशमेंट्स होते हैं, खाना पीना चाय पानी जो इन्हें पूछा जाता है मेहमानों को, वो भी इसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और किसी से भी अच्छे से बात नहीं की। फिर इसने क्या किया, एलिजाबेथ को अकेले में एक लॉन में लेकर के गई, ठीक है। और उससे अकेले में ये कहती है कि तुम्हारे और डर्सी की जो शादी की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तुम उन्हें झुटला दो और डर्सी को एक्सेप्ट मत करना। डर्सी से, अगर डर्सी तुम्हें प्रपोज करता है तो उसे मना कर देना, तुम उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम बाय बर्थ इन्फीरियर हो, ठीक है। यानी कि जन्म से ही तुम सुपीरियर नहीं हो, इन्फीरियर हो, नीची जात से हो तुम, इसलिए तुम डर्सी से जो है शादी नहीं कर सकती। और डर्सी की एंगेजमेंट जो है मेरी बेटी के साथ पहले ही हो चुकी है। तो एलिजाबेथ को गुस्सा आता है इस बात पे, और वो लेडी कैथरीन को जवाब देती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, आई ऑल्सो लाइक हिम, मैं भी उसको पसंद करने लगी हूँ। और डर्सी की लाइफ का जो डिसीजन है वो डर्सी को लेना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए। उसे किससे शादी करनी है, उसकी चॉइस क्या है, वो सिर्फ डर्सी का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जवाब सुनकर लेडी कैथरीन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा हॉट वर्ड्स में बहस हो जाती है, ठीक है। और इतनी बहस होने के बाद लेडी कैथरीन जो है बहुत ही रूडली, बहुत ही गुस्से में वहां से चली जाती है। द नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मिस्टर बेनेट को कॉलिन का एक लेटर मिलता है, किसका, कॉलिन का, जो कि अब कौन है, नहीं तो चार्ली डी से था। हाँ, तो कॉलिन को, मिस्टर बैंक को कॉलिन का लेटर मिलता है, और वो उस लेटर में सपोर्ट कर रहे होते हैं लेडी कैथरीन को। ही सपोर्ट्स लेडी कैथरीन। ये उसे क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने किसको प्रपोज किया था, एलिजाबेथ को, और उसने इनका प्रपोजल जो है डिक्लाइन कर दिया था, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ये उसको खुश नहीं देखना चाहेंगे।
इसलिए ये इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पूरी नोवेल में बस इसी तरह के कैरेक्टर्स हैं, एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की बुराइयां भी करते हैं, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स भी हैं। अच्छे कौन हैं, बुरे कौन हैं, वो आप देख ही रहे हो। ठीक है, और फिर मिस्टर बेनेट जो है इस लेटर के बारे में एलिजाबेथ को बताते हैं कि कैसे मिस्टर कॉली जो है लेडी कैथरीन को फेवर कर रहे हैं इस बात पर। तो एलिजाबेथ क्या है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है इस लेटर में और पढ़ती तक नहीं है वो। ओके, बट ऑन द अदर हैंड एलिजाबेथ को ये फियर होता है, शी फियर, इसको ये डर लगता है कि जो लेडी कैथरीन है वो डर्सी को इन्फ्लुएंस कर सकती है नीदरफील्ड ना आने के लिए। ठीक है, बिकॉज अगर वो नीदरफील्ड आएगा तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच फिर से मुलाकात स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो इसको ये डर रहता है कि लेडी कैथरीन जो है डर्सी को इन्फ्लुएंस कर लेगी, मना लेगी कि वो लंदन से वापस नीदरफील्ड ना आए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डर्सी बहुत ही जल्द, यानी कि 10 साल पूरे होने से पहले ही वो वापस आ जाता है नीदरफील्ड। ही कम बैक टू नीदरफील्ड, और जैसे ही ये नीदरफील्ड आता है उधर बिंगले जो है एलिजाबेथ और डर्सी के लिए एक मीटिंग अरेंज करवाते हैं अकेले में बातचीत करने के लिए। ठीक है, बिंगले अरेंज्ड अ अलोन मीटिंग फॉर डर्सी एंड एलिजाबेथ। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में मिलते हैं एक दूसरे से अकेले, और एलिजाबेथ जो होती है डर्सी को थैंक यू कहती है कि उसने जो कुछ भी किया मेरी फैमिली के लिए उन सब के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मेरा एटीट्यूड जो भी था आपके आपके लिए स्टार्टिंग में वो क्यों था, विकम की वजह से था, उसके लिए मैं सॉरी गिल्टी फील करती हूँ, अपना सारा एक्सप्लेनेशन देती है। एंड ऑन द अदर हैंड डर्सी भी जो है अपनी प्राइड के ऊपर अपना भाषण देता है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मेरा भी एटीट्यूड पहले बहुत गुमान और घमंडी टाइप हुआ करता था, लेकिन जब से मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन होने लगा और मेरा प्यार धीरे धीरे जो है ग्रो होने लगा, उसी के साथ साथ जो मेरी प्राइड है, जो मेरा घमंड था, वो धीरे धीरे टूटता गया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। एंड देन फाइनली ही प्रपोज टू एलिजाबेथ एंड शी एक्सेप्टेड, ये इसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, और उसी रात को ये दोनों अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर देते हैं सबके सामने। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द नोवेल। सो फाइनली ऑल ओवर नोवेल में हमें टोटल 4 कपल्स मिले हैं। अब मैं उनको एक शॉर्ट में लिख देती हूँ ताकि आप भूलो ना। ठीक है, नाउ रिमेम्बर, फर्स्ट कपल हमारा कौन सा बना था, मिस्टर कॉलिन और चार्लेट लुकस का। ठीक है, ये कौन थी, एलिजाबेथ की फ्रेंड, लेकिन इनके बीच में कौन थी, एलिजाबेथ, क्योंकि पहले इन्होंने एलिजाबेथ को प्रपोज किया था। ठीक है, ये आपको इस तरह ध्यान रखने में इसलिए इजी रहेगा क्योंकि जब आप इस तरह इसको रिवाइज करोगे चार्ट को, तो आपको ध्यान रहेगा कि पहले उसने इसे प्रपोज किया था, क्यों किया था, कब किया था, किस जगह पे किया था। ठीक है, तो ये चार्ट जैसे ही आप रिकॉल करोगे तुरंत आपको वो इवेंट और लोकेशंस भी रिकॉल हो जाएंगे। सेकंड जो हमारा कपल बना था वो था विकम और लीडिया का। ठीक है, लेकिन लीडिया तक पहुंचने से पहले विकम एलिजाबेथ से अट्रैक्ट था। ठीक है, उसके बाद मिस किंग की तरफ अट्रैक्ट हुआ, सॉरी आई हैव टू राइट विद राइट पेन। हाँ, तो ये पहले एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट था, देन ये मिस किंग की तरफ मूव हुआ, और फाइनली ये जो है लीडिया से जाके इसको शादी करनी पड़ी जबरदस्ती। देन बिंगले और जेन, इन दोनों का कपल बना, लेकिन इनके बीच में कौन आई,
मिस डर्सी, डर्सी की बहन। ओके लास्ट हमारा कपल कौन बना है, हीरो हीरोइन डर्सी एंड एलिजाबेथ, और इनके बीच में कौन आई, लेडी कैथरीन की डॉटर मिस डी वुड। ओके सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ दिस नोवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ठीक है, स्टोरी जो है खत्म हो गई है और मैंने ये बहुत ही डीप तरीके से आपको हिंदी में समझाया है। मैंने बिल्कुल भी ये शॉर्ट में आपको नहीं समझाया है कि यहाँ से ये कैरेक्टर पकड़ा, वहाँ से वो पकड़ा और उनको ऐसे आपस में मर्ज कर दिया, नहीं। मैंने एक एक इवेंट, एक एक जगह और एक एक कैरेक्टर का नेचर तक आपको मैंने डीप एनालिस किया है स्टोरी में, इन ऑर्डर टू यू मेक सॉरी इन ऑर्डर टू यू कैन मेक योर परफेक्ट आंसर इन योर एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, आप अपना आंसर बहुत अच्छे से बना पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, बट यस, एग्जाम में आंसर बनाने के लिए आपको इंग्लिश वर्ड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सो आई रिकमेंड यू दैट यू विल चूज ओनली दोज वोकैब्स दैट हेल्पफुल फॉर योर नोवल, फॉर योर स्टोरी। ठीक है, आप सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं वोकैब्स को आप चूज करें मोस्टली जो आपके नॉवेल्स में दी गई हैं, स्टोरी में दी गई हैं, इंटरनेट पे उन वर्ड्स का यूज़ हुआ है, आपकी कॉलेज बुक्स में उन वर्ड्स का यूज़ हुआ है। बिकॉज इफ़ यू कैन मेक योर आंसर इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, सो डेफिनेटली इट्स राइट बट इट्स नॉट इम्प्रेसिव एंड देयर आर ह्यूज चांसेस टू गेट लो मार्क्स। सो टू गेट गुड मार्क्स यू हैव टू मेक श्योर टू यूज़ गुड वोकैबुलरी। ओके, आपको अच्छी वोकैबुलरी का यूज़ करना होगा अपने आंसर में, और उसके लिए आप क्या कर मैं क्या करूँगी, आपके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊँगी सिर्फ प्राइड एंड प्रेजुडाइस के वोकैब्स का। ठीक है, उसमें सिर्फ इसी नोवेल से रिलेटेड कुछ वोकैब्स होंगी जो आप आंसर बनाने के लिए उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वीडियो रेडी होते ही मैं इस वीडियो में उसको आई बटन पे एडिट कर दूंगी, आप चेकआउट ज़रूर करना और फ्यूचर के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।